हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 5 से बायो सेवर्ट लॉ को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था साइक्लोट्रॉन को, तो जितने लोग क्लियर नहीं है जाकर क्लियर करें, यूट्यूब पर सर्च करें साइक्लोट्रॉन बाय अभिषेक साहू, आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, कॉमेंट करके बताओ कैसे हो आप, सारे हाल चाल आपके मस्त है ना। ठीक है, तो कमेंट करना। बोला सर आज कमेंट नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कमेंट करो भैया, बताओ कैसे हो आप, आपके बारे में जान करके आपका बढ़िया चल रहा है, सारी चीज़ें खुशी मिलती है दिल को एक, ठीक है ना, और हमारा और आपका एक कम्युनिकेशन भी बना रहता है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे आज बायो सेवर्ट लॉ की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, तो याद रखना कि मान लो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर मैंने कहा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ये बताओ इसके कारण किसी पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कैसे बताएंगे, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि इसके लिए कोई रूल अभी तक हमने पढ़ा नहीं, हमने तो बस ये पढ़ा था कि अगर इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो किस डायरेक्शन में होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, ठीक है ना। तो वो हमें बताया बायो सेवर्ट ने, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात, हम इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं वो एज ए होल एक बड़े कंडक्टर की नहीं करते, जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन लेकिन हम इसमें एक काम करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एज ए होल पूरे कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, देखना कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो होगी कुछ 10 सेंटीमीटर, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो सकती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो सकती है, हो सकती है ना। तो डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, इसलिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो पूरे कंडक्टर की करने की बजाय एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। और जब फर्दर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो वहां पर जम के इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो जो है ना पूरे कंडक्टर के लिए निकल आता है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर हमें क्या करना है, आपसे पूछा है बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, तो बताना कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये मैं बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से पता पड़ सकता है, ठीक है ना। तो देखो लेट से मैंने कहा कि मेरे पास जो है ये रहा एक स्मॉल लेंथ। अब मैंने आपको बता दिया कि हम पूरे लेंथ के लिए एक बार में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से अलग अलग है, ठीक है ना। नाउ मैंने कहा कि ये रहा एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट जिसको मैं नाम दिया डीएल। अभी मेरी बातों को ध्यान सुनना, मैंने इसको लिखा है लेंथ एलिमेंट लिखा है मैंने इसको, ठीक है। अब मैं इसी का नाम बदल दूंगा एक मिनट बाद, ठीक है ना। देखो ये क्या है, लेंथ एलिमेंट डीएल। अब मैंने कहा कि इस डीएल में हो रहा है करंट फ्लो, इस डीएल में करंट फ्लो हो रहा है, तो जब इस डीएल में करंट फ्लो होता है, जब इस छोटे से लेंथ एलिमेंट में करंट फ्लो होता है, तो इस लेंथ एलिमेंट को देखो करंट जा रहा है यहां से, तो इस लेंथ एलिमेंट को एक डायरेक्शन मिल गई, बोला कहां से, बोला नीचे से ऊपर। तो अब मैं इसको जब इस डीएल में करंट फ्लो होता है, तो मैं इसको सिंपल डीएल नहीं कहता, मैं इसको कहता हूं डीएल वेक्टर। क्या कहता हूं, डीएल वेक्टर, क्योंकि इस डीएल को, क्योंकि स्मॉल लेंथ को डायरेक्शन मिल गई जो कि करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो जब भी जरूरत पड़े डीएल वेक्टर लिखने की, तो अब आप इसको जो है ना, अब आप इसको लेंथ एलिमेंट बोलने की जगह आप इसको करंट एलिमेंट बोलो, क्या बोलोगे, करंट एलिमेंट, ठीक है ना। तो याद रखना कि जब भी डीएल वेक्टर मिल गया आपको, तो वो करंट के कारण उस लेंथ को डायरेक्शन मिल गई, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डीएल वेक्टर। तो अब मत पूछना कि सर डीएल वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिख सकते हैं, याद रखो वेक्टर मतलब डायरेक्शन। तो हमने यहां पे कंसीडर किया कि अगर लेंथ को डायरेक्शन मिल जाए तो फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। चलिए तो ये डीएल वेक्टर और ये रहा पॉइंट P, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। लेट से अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो ये हो गया आपका R वेक्टर और वी कैन सी इट एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। चलिए यहाँ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर ही है, अगर डिस्टेंस इसकी जो है 10 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ठीक है ना। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है शॉर्टेस्ट पाथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूँ कि आइडियल वेक्टर R वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो लेट से दिस एंगल इज थीटा,
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब मैं निकाल सकता हूं इस डीएल वेक्टर के कारण इस पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आप यहां से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट है। अकॉर्डिंग टू, ये डायग्राम भी आपको बनाना है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, कुछ लोग बायो सावर्ट लॉ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, बायो सावर्ट लॉ, तो एक ही बात है, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों ने हमारा भी बहुत नाम बिगाड़ा है, आप भी इनका नाम बिगाड़ो, ठीक है ना, बोलो बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलते जाओ, ठीक है ना, बोलो बायोट सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ क्या पढ़ेंगे इसको, कि भाई बायो सावर्ट ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ एलिमेंट पर भी डिपेंड करेगी कि इसकी लेंथ कितनी है। तीसरी बात कही गई कि मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, या फिर मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसके बाद यहाँ पर हमने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साइन थीटा के क्यों, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कंबाइनिंग एबव रिलेशंस, अगर मैं इन सभी रिलेशन को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहां से कंबाइनिंग अबव रिलेशन वी गेट डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अब देखो यहां पे, यहां पर क्या होता है कि अगर मैं प्रोपोर्शनल डी एक्स हटाता हूं तो यहां पर मेरे पास एक नया टर्म आता है जिसको बोलता हूं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। क्या बोलता हूं इसको, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है। प्रोपोर्शनल डी साइन हटा दिया हमने तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आ गया, दैट इज आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है ना, चलिए आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर ये जो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई है ये क्या चीज है, तो देखो जब भी लग जाए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो वो हमेशा बात की जा रही है फ्री स्पेस की, दैट मींस एयर की, वैक्यूम की, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, कि अगर किसी पॉइंट, अगर इस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो किसी मीडियम के कारण या फ्री स्पेस के कारण इस पॉइंट पी तक कितनी मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगी, दैट इज कॉल्ड परमीएबिलिटी, ठीक है ना। नाउ अब इस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की जो वैल्यू होती है और जो यूनिट होती है वो कुछ इस तरह से है कि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज इक्वल टू 10^-7 यूनिट है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। प्लस सर ये टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स यूनिट कैसे आई, तो जरा सोच के देखो, अगर मैं इस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई को यहीं पे रखा छोड़ दूं, ठीक है, तो देखो यूनिट बनाने के लिए केवल मैं आपको इतना कर रहा हूं, तो डी बी का इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर से, ठीक है, अपॉन ये आइडियल साइन थीटा नीचे आ जाएगा, आइडियल साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ये क्या बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर है, देखो ध्यान से, डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ना, डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो स्मॉल बनेगी, तो ये हो गया आपका टेस्ला, ठीक है, डीबी की टेस्ला। ये क्या है भाई, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अपॉन क्या है आई मतलब एम्पियर, डीएल क्या है छोटी सी लेंथ मतलब मीटर, ठीक है, साइन थीटा को यूनिट होती नहीं है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो टेस्ला मीटर एम्पियर चला जाएगा ऊपर, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्लियर है, नोट करना है इसको, फास्ट नोट कर लो, ठीक, हटा दूं उसको बोला सर नोट कर लिया, ठीक है, देखो तो इतना कर सकते हैं अपन। नाउ अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इस वैल्यू को पुट कर दे, ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये रहा डेरिवेशन और ये लिख रहा हूं मैं इसका स्केलर फॉर्म, क्या लिख रहा हूं स्केलर फॉर्म, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर थी बात। नाउ जरा देखने की कोशिश करो कि ये है इसका स्केलर फॉर्म, ये इसका स्केलर फॉर्म, ठीक है। अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो एक काम करो भाई, वेक्टर फॉर्म के लिए हम एक काम करते हैं इसमें कि इसमें आर का इंटू ऊपर करो, आर का इंटू नीचे करो, ठीक है, तो हमारे जो है ना ओवरऑल कोई भी हम छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे फिर इसमें, आर का इंटू ऊपर आर का इंटू नीचे, तो आईडीएल आर साइन थीटा अपॉन आर का इंटू नीचे कर दिया तो ये हो गया आर क्यूब। क्लियर है। नाउ अब देखो, हमने जो है ना यहां पर साइन थीटा को कंसीडर किया हुआ है, पहली चीज अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये रहा डीएल आईडीएल और ये है आर, ठीक है, देख रहे हैं ध्यान से, आईडीएल वेक्टर और आर वेक्टर,
आइडियल वेक्टर कारण बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, और बनेगी यहां पर क्या बनेगी भाई मैग्नेटिक फील्ड। देखो आइडियल वेक्टर मतलब आइडियल वेक्टर और ये आर वेक्टर, इन दोनों का इंटू हुआ और हमें इस पॉइंट पे क्या मिलती है मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स डी बी वैक्टर। याद रखना कि जब दो वेक्टर का इंटू करें, जब दो वेक्टर का इंटू करें आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर का इंटू हुआ और तीसरी क्वांटिटी भी हमें इस पॉइंट पर मिली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब तीसरी क्वांटिटी मिली मैग्नेट वेक्टर, दो वेक्टर का इंटू होने से तीसरी क्वांटिटी जब हमें वेक्टर मिलती है तो इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है, वो भी होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। नहीं सुना, एक बार फिर सुन लो। अगर दो क्वांटिटी का इंटू हो, दो वेक्टर क्वांटिटी का इंटू होने से तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर मिलती है तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, दैट मींस वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर ये ए डॉट बी होता तो क्या हो जाता, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पहले से साइन थीटा कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो ये रहा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्या है, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में क्या है आर क्यूब, क्लियर है। तो ये है हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ, ये क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, क्लियर है बात। चलिए तो ये इसके बाद हम जो है ना, मान लो अगर आपको कुछ छोटे से न्यूमेरिकल्स मिले तो वो किस तरह से मिलेंगे, सिंपल प्रैक्टिस बेस्ड, ठीक है ना। इसको नोट करो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए हटा दें इसको ना। देखो हाँ जी, अरे देखो एक चीज़ और मुझे इस डेरिवेशन में याद आ गई कि यहाँ पर आपको एक काम और करना है कि लेट्स से ये करंट फ्लो रहा था I, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो ये भी दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बनेगी, तो यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन बनाया, डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम में आप यहाँ पर क्रॉस लगा दें, क्यों लगा दें, करंट फ्लो रहा है इस तरह से, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की साइड बनेगी, कैसे, घुमाओ अपनी उंगलियों को, अंदर की साइड जा रही है, तो ये रहा आपका पॉइंट पी और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटे से अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि एक वायर है जिसमें जो है साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो रहा है, ठीक है ना। एक वायर जिसमें करंट फ्लो रहा है, करंट 2 एम्पियर फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ में करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर, क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि आपको दे दी गई भाई डीएल, डीएल की वैल्यू लेट से आपको दे दी गई कि स्मॉल एलिमेंट जो है आपका वो है आपका 200 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दे दिया गया आर दे दिया गया आपको लेट से, हाँ जी इसको कितना ले लें, मान लो 400 सेंटीमीटर नाउ आपको, और निकालना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये आपको काम इतना करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि डायरेक्शन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम मान लेते हैं ये रहा मेरे पास जो है ये आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट आपको दिया गया है केवल एंगल के लिए, तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री। तो करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, तो ये रहा आपके पास डीएल, ठीक है ना, ये रहा आपके पास डीएल वेक्टर, और आपको निकालना है मतलब साउथ से नॉर्थ जा रहा है ना ऊपर की साइड, आपको निकालना है इस पॉइंट पर, तो ये रहा आपका पॉइंट पी, इन दोनों बीच में एंगल है 45 डिग्री। तो एंगल आपका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी सिंपल निकल जाएगी आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से, बस आपको साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेनी है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू डीएल की वैल्यू हो गई 0.2 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी 0.2 मीटर, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2, चलिए यहाँ से तो इतना ठीक है, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या 0.4 मीटर, तो 0.16 मीटर, ठीक है। चलिए तो अगर मैं एक काम करता हूँ कि
इस 2 को लिख लेता हूँ रूट टू, देखो इस 2 को लिख देता हूँ रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट टू इंटू इंटू 0.2, नीचे बचेगा 0.16, कैंसिल वैंसिल करेंगे इसको तो अपने पास ये आ जाएगा, मतलब ऊपर एक जीरो आ जाएगी, ठीक है ना, कैंसिल करेंगे तो चलो छोटे बच्चों के लिए देख लो ये, चलो ठीक है ऊपर एक जीरो आ जाएगी, टू ये आपका 2 1 2 2 2 8 जा, ठीक है तो ये आपका, अब यहाँ से देख लो ये 5 और ये आपका 4, चलिए ये अब तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट टू इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में है आपका ये 4, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा, इतना तो कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टेस्ला में पुट कर देना, ठीक है ना, चलिए इतना कर लोगे ना, सॉल्व कर पाओगे ना इतना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से मिलेगा, छोटा सा एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, हटा दें इसको, ठीक है कैलकुलेशन कर लेना, आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, बता दोगे, बताओ करो कैलकुलेशन, ठीक है ना, चलिए नाउ देखो देखो ये क्वेश्चन आपको NCERT बुक से मिल रहा है, NCERT टेक्स्ट बुक से, जिसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक स्मॉल एलिमेंट है डेल एल, ठीक है ना, स्मॉल एलिमेंट है डेल एल वेक्टर, अब इस डेल एल वेक्टर की जो वैल्यू है वो है आपका डेल एक्स आई कैप, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, कैप्ट एट ओरिजिन, कैप्ट एट ओरिजिन। नाउ आपसे कहा गया कि भाई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कोई भी जो लेंथ एलिमेंट, ये क्या है लेंथ आपका करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है डेल एक्स आई कैप, डेल एक्स आई कैप, इसको समझाते हैं, आई इज इक्वल टू इसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, और डेल एक्स की जो वैल्यू है, ये डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है आपका 1 सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया आपका सॉल्यूशन। इसमें आपको दिया है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट वाई एट, मतलब वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट 0.5 मीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास एक लेंथ एलिमेंट है, और लेंथ एलिमेंट का किस डायरेक्शन में है, बोला एक्स एक्सिस पर है आई कैप, मतलब सॉरी जो आपके पास करंट एलिमेंट है कुछ इस तरह से है आई कैप, पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में है, ठीक है, और मान लिया कि ये जो ये रहा आपके पास डेल एक्स, डेल एक्स मतलब इसकी जो लेंथ है वो है आपकी कुछ 1 सेंटीमीटर, और ये रखा हुआ है आई कैप डायरेक्शन में, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बाय एक्सिस पर 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है ना। डेल एक्स ये एक बहुत छोटा सा, मतलब ये जो वैल्यू आपको दे दी वो करंट एलिमेंट की वैल्यू आपको दे दी, कि भाई ये करंट एलिमेंट है जिसको हम कभी कभी लेंथ एलिमेंट भी कहते हैं, तो इस लेंथ एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 सेंटीमीटर, और ये है आपकी आई कैप डायरेक्शन में, कुछ नहीं करना आपको, सारी चीज़ें दी हैं, मतलब ये आपको दे दिया एंगल 90, तो आइडियल साइन थीटा की जगह आप पुट कर देना आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, जो डिस्टेंस है वो है 0.5 का स्क्वायर, तो आपको डीबी निकल के आ जाएगा ना, डीबी आई कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है 10 एम्पियर। डीएल की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, डीएल कितना है 1 सेंटीमीटर, तो देखो आपने लिख दिया डीएल का मतलब है कितना है भाई, कितने में करंट फ्लो रहा था, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए साइन थीटा का मतलब है साइन 90 क्यों, ये रहा डेल एक्स और ये रहा पॉइंट पी, ठीक है ना आर, तो ये रहा आपके पास इतना, और ये हो जाएगा 0.25। चलिए तो सॉल्व कर लोगे इसको, आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना, ये 2 0 पॉइंट हटाओगे, 2 0 ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, 25 4 जा, तो ये आपका अराउंड 400 आंसर आ गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी टेस्ट लाम बनेगी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर कैसे बताओगे, कि यहाँ पर देखो हाथ रखा आपने, करंट फ्लो रहा इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से, और आपने इसको घुमा के इस तरह से पकड़ लिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, दैट मीन्स हम इसको यहाँ पे इस पॉइंट डॉट से दिखाएंगे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है हटा दें इसको, बोले सर हटा दिया आपने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है, ठीक है। अब देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कैप्ट ऑन
प्लेन ऑफ पेपर है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब क्या होता है, कि लेट से मेरे पास ये प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास ये प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है। ठीक है, आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है बुक में कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रही आपके पास z एक्सिस, ये रही आपके पास x एक्सिस, और ये रही y एक्सिस, और ये रही मेरे पास x एक्सिस। ठीक है ना, इस पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अगर करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर की साइड, और ये रहा मेरा कहीं पे भी मान लो कि dl वेक्टर। ठीक है ना, तो ये मान लिया मैंने dl वेक्टर और करंट फ्लो हो रहा है i। ठीक है, ऊपर की साइड हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि क्या हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हैं। तो देखो ये बेसिकली मेरे पास ये कौन सी डायरेक्शन होती है, बोला जी मैंने कहा वाई, ये हो गई एक्स, और ये हो गई मेरे पास जेड। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जेड जो है परपेंडिकुलर है, तो चलो जेड ऐसे ही परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर मुझे दिखाना है इसी चीज को तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये दिखा दिया मैंने, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये दिखा दिया। तो देखो ये क्या थी मेरी वाई, वाई आगे आ गई, मैं इस चीज को ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है ना, तो दिखाने का जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कैसे भी आपका हो सकता है। क्लियर थी बात, तो हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने उसको कुछ इस तरह दिखा दिया कि ये देखो ऊपर की साइड है आपका जेड एक्सिस, बाहर की साइड निकल रहा है एक्स एक्सिस, और ये रहा मेरे पास वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, देखो मैंने कहा ये रहा पी, अब क्वेश्चन में ऐसे मिल गया तो वही समझना पड़ेगा, इसमें करंट पूरा आया से और मुझे निकालना है इस पॉइंट पे। तो दो मेथड होते हैं मेरे पास, दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो इजीएस्ट मेथड है, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल। अब ये राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, बार बार आपने सुना है, एक बार और सुन लो। राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि पहले वेक्टर, ये रहा पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपनी पाम यानी हथेली को रखेंगे। ठीक है, नोट कर लो, नोट्स बनाओ, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपनी पाम यानी हथेली को रखेंगे, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, उंगलियों को मोड़ोगे विद शॉर्टर एंगल। ठीक है ना, और जो फिर जो आपको थंब होगा ना, थंब, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो ये था पहला वेक्टर, कौन, डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में आपने अपने हथेली को रख लिया, ये रख लिया मैंने अपनी हाथ को, मतलब जो मेरी पाम है वो मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, अब आर वेक्टर जहां पर है उस डायरेक्शन में आपको करना है अपनी उंगलियों को मोड़ना है, अपनी उंगलियों को मोड़ो। तो देखो पॉइंट भी मेरा यहां पर है, तो R वेक्टर भी कहाँ है, R वेक्टर भी यहां से इस डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूं ऐसे, तो ये शॉर्ट एंगल तो नहीं है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। देखो इस तरह से ये मेरी पाम हो गई, और ये मैं इसको मोड़ूंगा ऐसे, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है अंदर, देखो थंब कहाँ जा रहा है अंदर। अब अंदर कौन है भैया, अंदर कौन है, मैंने कहा एक्स एक्सिस बाहर की साइड ऐसे निकल रही है, तो ये अंदर की साइड कौन, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो राइट हैंड पाम रूल से हम ये बता सकते हैं, तो आप बता सकते हो बाय राइट हैंड पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, ऑन या एट पॉइंट पी इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अंदर की साइड कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखो इसी चीज को मैं सिंपल टर्म्स में भी, मतलब वेक्टर के फॉर्म में भी बता सकता हूं, जैसे कि वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में भी। जैसे मान लो मैंने कहा कि डीबी इज इक्वल टू, क्या करना है मुझे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बोला ये देखो आई डीएल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बोला डीएल किस डायरेक्शन में, के कैप, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा भाई आर किस डायरेक्शन में, आर है मेरा जे कैप डायरेक्शन में, होता है नहीं होता, आर किस में, जे कैप में। ठीक है, चलिए इसके बाद अपॉन में क्या है, आर क्यूब। क्लियर ना, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, एक बार बता दो बस मुझे K क्रॉस J क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है ना 11th क्लास में कि I क्रॉस J क्या है, बोला K, ठीक है ना, J क्रॉस K क्या है, बोला I, तो K क्रॉस J क्या होता है, ये होता है आपका माइनस I, क्या होता है माइनस I, तो DB वेक्टर इज इक्वल टू IDL R, मतलब IDL इंटू R, ये क्या हो जाएगा माइनस I कैप, माइनस I कैप। ठीक है, अब माइनस आई कैप का मतलब क्या है, वही नेगेटिव
आई मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो हम कैसे भी बताएं जो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव एक्स में आएगी। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा सकते हो, बढ़ावा सकते हो जल्दी से। और हाँ एक चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, तो ज़रूर शेयर करें। जितनी जल्दी इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट आपके लिए वेट